हेलो गाइज, वेलकम बैक। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि विंटर ट्रैक का सीज़न स्टार्ट हो गया। इवन ट्रैक तो कभी बंद होते ही नहीं है, सीज़न वाइज सीज़न चलते रहते हैं। तो आज मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाला हूँ और वो है ट्रैकिंग शूज़ को लेके, क्योंकि अभी ट्रैकिंग की सीज़न स्टार्ट हो गई है विंटर वाली और आप में से काफ़ी लोगों ने प्लान कर लिया होगा या करने वाले होंगे। तो शूज़ को लेके आप कोई भी लापरवाही मत बरतना, ट्रैकिंग शूज़ प्रॉपर लेके जाना अगर आपको ट्रैक प्रॉपरली इंजॉय करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ड्यूरिंग ट्रैक कि वो कोई भी शू कैरी कर लेते हैं। अब उसमें होता क्या है कि वो फिर ट्रैक के दौरान परेशान होते हैं। अगर आपके शू वाटरप्रूफ नहीं हुए तो वो परेशान होंगे, पानी जूतों के अंदर घुसता जाएगा और बहुत सारे, क्योंकि पहाड़ पे तो चलना ही चलना है, रास्ते में फट जाते हैं, काफ़ी सारे मैंने देखे हैं। आप जब शू सेलेक्ट करोगे तो आपको कौन से पैरामीटर चेक करने हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो आप जब भी शू सेलेक्ट करने के लिए जाएं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप सबसे पहले देखिए कि वो जो शू है वो वाटरप्रूफ है या नहीं है। प्रॉपर वाटरप्रूफ तो नहीं होते, वाटर रेप्लिकेंट या वाटर रेजिस्टेंस ऐसा कुछ होता है जिसमें मतलब पानी गिर भी जाए तो एकदम से अंदर नहीं जाएगा, तो वो होना ही चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब आप ट्रैक करोगे, स्नो आपको मिलेगा आई थिंक लास्ट डे या एक दिन पहले सबमिट के, वहाँ से स्नो मिलना स्टार्ट होता है। बट उससे पहले आपको पहाड़ों पर ही चलना है, बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग मिलेंगे रास्ते में आपको, तो उन सब से बचने के लिए आपके पास जो वाटरप्रूफ शूज़ होंगे तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी वहाँ पर और आपका ट्रैक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है शू का ग्रिप। ग्रिप शू का बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरे पास जो शू है वो कैंचुआ का है, जो कि मैंने डिकैथलॉन से मंगवाया था। आप देख पा रहे हैं वाटरप्रूफ है ये, तो आप जो भी शू लेंगे उसके ऊपर वाटरप्रूफ मार्क आएगा। तो उसका जो ग्रिप होता है वो आप चेक करके लेना कि ग्रिप मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ग्रिप सॉफ्ट हुआ उसका तो आपके पहाड़ों पे जब बोल्डर्स पे चलते हो और जब पत्थर भी आएंगे उसके अंदर तो आपका शू फट जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि जो आप शू ले रहे हो वो आपकी एंकल लेंथ के होने चाहिए, आपकी एंकल उसमें कवर होनी चाहिए। अगर आपकी एंकल कवर नहीं है तो एंकल पर चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर एक बार एंकल पर चोट लग गई तो आप समझ सकते हो उसका पेन कितना खतरनाक होता है। तो जो भी आप शू लो एंकल को कवर करने वाले होने चाहिए, एंकल लेंथ होनी ही चाहिए उसके अंदर। ये तीन मेजर पॉइंट है, जो भी आप शू सेलेक्ट करते हो उस टाइम पे ये कंसीडर करना ही करना है आप सब लोगों को, ताकि ये, हालांकि देखा जाए ये छोटी छोटी बात है, बट इन छोटी छोटी बातों से ही जो ट्रैक का एक्सपीरियंस होता है वो और शानदार हो जाता है। तो अब आ जाती है कैसे शू आप सेलेक्ट कहाँ से करोगे, कहाँ से ये बाई करोगे। तो मैंने जो परचेज किया था ये डिकैथलॉन की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन ही मंगाया था। अगर आपके नियरेस्ट सिटी में अगर ऑफलाइन स्टोर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप वहीं जाकर लेना, क्योंकि इनमें साइज़ का बहुत दिक्कत आता है। जो अपन रेगुलर साइज़ पहन रहे इसमें पॉइंटों में ऊपर नीचे ही रहता है, तो आप वहाँ जाके परचेज करो। ट्रैकिंग के जो शूज़ हैं वो आपको डिकैथलॉन की वेबसाइट पर मिल जाते हैं या उनके स्टोर पर मिल जाते हैं, और दूसरी कंपनी है जो वाइल्ड क्राफ्ट करके है, वो भी शूज़ बनाती है ट्रैकिंग को लेके। तो आप दोनों में जो आपको जिसके भी आर्टिकल अच्छे लगते हैं वो ले सकते हो, बट प्रेफर करूंगा कि आप डिकैथलॉन की वेबसाइट पे जाके लेना, क्योंकि वो थोड़ा सस्ते भी हैं और उनकी जो क्वालिटी होती है वो और भी शानदार है और आर्टिकल्स तो शानदार मिल जाते हैं उसके ऊपर। मेरे पास जो शू है ये है कैंचुआ का ट्रैक 100 ऑन ट्रेल ग्रे, जो कि मैंने लगभग 6000 रुपये में लिया था, 5999, 6000 हो ही गए वो। ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। तो जैसे आप सब लोगों ने देखा मैं दो ट्रैक करके आया, मुझे कोई इसके अंदर परेशानी नहीं हुई। मैं पानी के अंदर भी चला हूँ तो उसमें मुझे जो वाटरप्रूफिंग है वो भी इसके अंदर मैंने चेक किया, और बोल्डर्स तो आते ही रहते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे बोल्डर्स आते रहते हैं, इन पत्थरों पर तो हम चले ही चले हैं, आप सब लोगों ने देखा ही। और नाइट में जब ट्रैक करते हैं अपने को पता नहीं चलता कि पैर अपना कहाँ पर जा रहा है, तो वहाँ पर आपके पास स्ट्रॉन्ग शू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैकिंग शूज़ जो है ना ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार ट्रैकिंग शूज़ आपने अच्छे ले लिए तो फिर आपको बार बार जो भी ट्रैक पे जा रहे हो आपको दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है। कि अगर आप ट्रैक पे जा रहे हो आपके पास अगर ट्रैकिंग शूज़ नहीं है तो वहाँ पर आपको रेंट पे लेना पड़ेगा, और रेंट पे कैसे मिलेंगे, आप उसमें कंफर्टेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। मोस्टली मैंने लोगों को देखा है वहाँ पर जो रेंट पे लेते हैं वो उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, वहाँ पर उनकी मजबूरी बन जाती है वो वाले शूज़ पहनने की। तो आप अपनी पसंद का ट्रैकिंग शूज़ आप खुद परचेज़ कर ही लो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिया है आप ये वाला ही लो, मुझे ये पसंद था इसलिए मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। आप डिकैथलॉन की वेबसाइट पे देखो तो लगभग 2500 के आसपास अच्छे शूज़ मिल जाते हैं जो कि वाटरप्रूफ होते हैं, तो आप वो परचेज़ कर सकते हो। और अगर आप और ट्रैक लवर हो ना, आप ट्रैक करते हो और आगे भी आपको बहुत सारे ट्रैक करने हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप अपने लिए शू खरीद ही लो बढ़िया वाला। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जो ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैक करते टाइम दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक तो आपके ट्रैकिंग शूज़, दूसरी आपकी लेयरिंग। अगर ये आपकी प्रॉपर है तो कोई भी ट्रैक पे आप चले जाओ आपका एक्सपीरियंस शानदार होने वाला है।
तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही लीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आप लोगों को और ट्रैकिंग से रिलेटेड किसी पॉइंट पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली लेके आऊँगा और जल्दी ही एक अच्छा सा ट्रैक प्लान करते हैं आप सब लोगों के साथ में। तो मिलते हैं ऐसा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। पॉकेट थोड़ी आ रही है, ठीक है गाल दियो, ठीक है हाँ चालू है। वो एक अलग बात हो जाती है। वापस एक टेगा मेरे पास जो शू है, एक सेकंड में खोल दूँ यार एक जूता। ठीक है, तो मेरे पास शू है, ये कैंचुआ का है। इसका जो आप ग्रिप देख रहे हो,